अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल VUBSCS। आज हम शुरू करेंगे MTS 301 का लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 क्या है? इवेलर थ्योरम। तो ये देखिए वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। तो लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास, मोर अबाउट इवेलर थ्योरम चेन रूल। बेसिकली ये क्या चेन रूल? तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। तो लेक्चर शुरू करते हैं। आप अभी देखें यहाँ पर डे चेन रूल है। चेन रूल क्या है वो हम आगे देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल ये सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें चेन रूल में काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा जो आगे आता जाएगा। पहले एग्जांपल ली गई है, इसको आप देखें। एग्जांपल में आपको ये कहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई फाइंड। इसमें फाइंड करना है एफ एक्स और एफ वाई। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसका चेन रूल चल रहा है। चेन रूल में ऊपर अगर क्वेश्चन दिया हुआ और नीचे डिवाइड में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखें यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला होता है। चेन रूल में हमारे पास डिवाइड का फॉर्मूला होता है, वो होता ही है। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। इसमें क्या होता है, आप कुछ भी वेरिएबल सपोज कर सकते हैं, एक्स वाई के वी यू नॉट। यू नॉट क्या होता है? यू और वी नॉट। ठीक है, तो ये आपने सही से याद रख लेना है। तो बेसिकली ये यू नॉट क्या होता है? डेरिवेटिव। यानी एक अगर एक आपको वेरिएबल दिया हुआ है टू एक्स और थ्री वाई, ठीक है, यहाँ डिवाइड होगा डिवाइड में। ठीक है, तो आपका सपोज कर लेंगे पहला वाला क्या है वी और दूसरा वाला क्या है यू। तो आप फॉर्मूला को अगर फॉलो करें तो क्या होगा, आप क्या करेंगे पहले v लिखेंगे u नॉट, यानी आप पहले क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, फिर आप u नॉट का डेरिवेटिव लेंगे, यानी 3y का डेरिवेटिव अगर आप x के रिस्पेक्ट लेंगे तो कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसे क्या करेंगे माइनस, फिर u लिखेंगे, फिर v नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से एंड में क्या करेंगे वी स्क्वायर का, वी तो एंड में क्या आएगा वी स्क्वायर आएगा। इस तरीके से आपने फॉलो करना है। तो ये क्वेश्चन देखने किस तरीके से होगा, तो अब आप ये देखें यहाँ उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, तो उन्होंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो देखें यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे इसको सही सपोज किया हुआ, यहाँ पे हमारे पास v, यहाँ पे हमारे पास u, u क्या हमारे पास x प्लस वाई और v के हमारे पास x माइनस वाई। तो देखें इसका फॉर्मूला देखें क्या है, पहले लिखा है v u नॉट, v क्या है हमने v पुट कर दिया, आप डेरिवेटिव लेंगे। आप चाहे तो डेरिवेटिव लिख दें या फिर आप चाहे तो स्टेप करके शो कर दें, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप स्टेप शो करें ताकि आप लोगों को याद हो जाए, तो उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखें उसने क्या किया, डेरिवेटिव लिया एक्स और वाई का भी लेगा, उसने लिख दिया ये। ठीक है, अब देखें माइनस यू, यू लिखा है एडिटिस, आप किसका डेरिवेटिव लेगा वी का, वी का लिख दिया, डिवाइड में क्या आएगा वी, वी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें एक्स माइनस फाइव लिखा यू ओवर डी एस का, उसने डेरिवेटिव ले लिया। पूरा सॉल्व करने के बाद उसके बाद क्या होगी, ये उसकी एक्स की वैल्यू होगी। अब इसी तरीके से उसने वाई में किया, वाई में क्या होगा, वाई की जगह क्या होगा, वैसे वेरिएबल चेंज हो जाएगा, पूरा सेम रहेगा। तब क्या होगा डी ओवर डी एस क्या होगा, डी ओवर डी वाई आ गया। ठीक है, डी ओवर एक्स या डी ओवर वाई, पूरा फॉर्मूला सेम है, तो पुट की वैल्यू आ गई। तो सिंपल इसमें इस तरीके से हो, इसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल। कि चेन रूल में एक फॉर्मूला आता है डिविजन रूल, जहाँ डिवाइड देखेगा वहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आसान है। देखिए शुरू में वी आए, शुरू में वी आ रहा है, एंड में वी आ रहा है और लास्ट में वी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे वी यू नॉट। अब एक मरतबा यू का डेरिवेटिव हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वी का होगा। ठीक है, और एंड में क्या है उसको है, तो ये हो गया आपका डिविजन रूल। अब आगे चलते हैं, अब देखिए ये है एग्जाम्पल टू। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखें, इसमें ये बोल रहा है इफ एफ ऑफ एक्स, देखें एक्स थ्री दिया हुआ है, ई दिया हुआ है प्लस वाई और ये दिया हुआ है, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें मालूम, अब आप देखें ये क्वेश्चन में सिंपल, ये कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, सिंपल उन्होंने डेरिवेटिव लिया हुआ है यहाँ पे। तो देखें डेरिवेटिव के फिर से लेते हैं। देखें आपको एक इक्वेशन दी हुई यहाँ पे ई के ऊपर माइनस फाइव दिया, तो अभी देख लें, तो आपने इसमें सिंपल जो है डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो अब आप ये देखें, आप पहले करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप रिस्पेक्ट टू एक्स से करेंगे तो देखें एक्स थ्री है। ठीक है, एक्स थ्री क्या हो गया, देखें यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन है। अब देखें ई वाई होगा हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक्स थ्री का, एक्स थ्री का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। ठीक है, ई वाई हमारे पास एज इट इज रहेगा, एक्स थ्री का डेरिवेटिव हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखें यही वैल्यू आ रही है, ई वाई थ्री एक्स थ्री स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर उन्होंने थ्री से लिखा है। फिर आगे क्या है, प्लस, प्लस के पास क्या है वाई थ्री एज इट इज रहेगा, वाई थ्री एज इट इज रहेगा। अब देखें sec अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो sec x और tan x होता है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम x का लिख देंगे अंडर रूट x। तो देखें sec x tan x दिया हुआ है। ठीक है, हमने लिख दिया y sec x tan x, तो देखें ये वैल्यू आ गई यहाँ, sec x और tan x का हम डेरिवेटिव ले लिया, तो उसके अंदर के भी डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि अंडर रूट x का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो जब अंडर रूट x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, तो अंडर रूट वन बाई टू बाहर आ जाएगा। ठीक है, और x क्या होगा, वन बाई टू हो जाएगा। कैसे होगा, तो अब आप देखें एक्स के ऊपर वन बाई टू लगा हुआ है। ठीक है, अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा, वन बाई टू, वन बाई टू में क्या होगा, एक हो जाएगा माइनस, यहाँ पे रहेगा वन, यहाँ पे आ जाएगा टू, एलसीएम ले रहे सिंपल, तो क्या आएगा माइनस वन बाई टू। तो इस तरीके से वन बाई टू आएगा। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ,
अंडर रूट, अब देखें 1/2 है, 1/2 ऊपर क्या है नेगेटिव है, मुझे इसको करना है पॉजिटिव में, तो मैं क्या करूँगा इसको ले जाऊँगा नीचे, जब मैं इसको लेके जाऊँगा नीचे तो मेरी मर्जी है, 1/2 लिखो या अंडर रूट एक्स, तो मैंने क्या किया, मैंने अंडर रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अंडर रूट एक्स आया, तो आप यहाँ पर देखें अंडर रूट एक्स इसी तरीके से आया है, तो उन्होंने इसको सॉल्व किया, अब आप देखें इसको अरेंज कर लिया, तो देखें यहाँ पे ई एक्स 3x आया, ये आ गया, वाई की पूरी वैल्यू ये आ गई, आ गई, देखें 1/2 आ रही है, पूरी वैल्यू आ गई 1/2, इसी तरीके से आइए सॉल्व करके, देखें 1/2 अंडर रूट एक्स, ये इस तरीके से वैल्यू यहाँ आ गई है, तो एक्स भी आपके पास आ गई, क्या आ गई एक्स की वैल्यू। इस तरीके से आपने वाई में करना है, वाई में क्या करेंगे आप एक्स को ऐसे रख देंगे, ठीक है, और वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या वाई ई वाई का यहाँ पर माइनस कैसे है, देखें जब आप वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा 1, ठीक है, 1 को हम लिखते नहीं, तो यहाँ माइनस आएगा, तो जहाँ माइनस आएगा तो क्या हो गया ई माइनस फाइव हो गया, इस तरीके से ये आ गया। तो इसी तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। आगे आए, आगे क्या है इफ आप देखें ऊपर था डिवीजन, ठीक है, अब ये है प्रोडक्ट रूल, हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो देखें यहाँ पे किया हुआ है फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ये देखें हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास ये हुआ फॉर्मूला या इसको कह रहे हैं इक्वेशन दी हुई, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो वो हमें कह रहे हैं कि इसका रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई निकालो, डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। पहले हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे वाई को बाहर ले जाएंगे, जब हम वाई को बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, बचा एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई, तो देखें हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई, तो यहाँ पर देखें क्या किया उन्होंने, आप देखें यहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया है प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, देखें प्रोडक्ट फार्मूला होता है ये, प्रोडक्ट में आएगा प्लस और डिवीजन में आएगा माइनस, और उस डिवीजन में नीचे होगा स्क्वायर, तो वैसे तो फार्मूला ये होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ यहाँ पे इन्होंने वी नॉट कर लिया यूँ, तो बात एक ही है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इन दोनों को चेंज कर दें, तो वैसे फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन सॉल्व की हुई है, उन्होंने सीरीज सॉल्व की हुई है, बी का डायरेटिव लिया हुआ है, फिर इसको यू किया हुआ है, प्लस किया हुआ है वी, फिर यू का डायरेटिव लिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये देखें उन्होंने क्या किया वाई को बाहर ले लिया, हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर ई और एक्स वाई, तो इन्होंने लेट कर लिया कि हमारे पास जो है वाई को बाहर ले गए, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर और ई एक्स वाई, इसको लेट कर लिया वी है ये यू है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया प्रोडक्ट रूल का, ठीक है, यानी प्रोडक्ट चेन रूल। तो अब देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या है वी नॉट यू प्लस वी यू नॉट, देखिए उन्होंने क्या किया पहले वी नॉट के हमारे पास ये रहा, ठीक है, लिख दिया वी नॉट लिख दिया, अब क्या हमारे पास वी नॉट यू, यू क्या है यू एलिटिव लिख दिया हमने, फिर क्या है प्लस वी यू नॉट, वी क्या है वी लिख दिया, अब इससे क्या यू का क्या है डेरिवेटिव लिख दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखें डेरिवेटिव लिया 2x आ गया, ई एक्स एज इट इज रहा, फिर ये लिखा ई एक्स वाई डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या है ये भी, तो हमारे पास आंसर क्या है इसका, हमारे पास इसका आंसर ये आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये किस तरीके से वैल्यू आई है अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन आपको बता देता हूँ। तो अब देखें डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी 2xe x y प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई, ठीक है। तो उन्होंने ये वैल्यू किस तरीके से लेके आए, देखें तो उन्होंने यहाँ पर लिया कॉमन, डायरेक्ट कर दिया उन्होंने यहाँ पर लिया कॉमन, देखें यहाँ पर कॉमन किया हमारे पास एक्स ई एक्स वाई और एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई, जब मैं यहाँ पर कॉमन लूँगा एक्स ई एक्स वाई तो यहाँ से पूरी वैल्यू हो गई है ख़त्म, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2, तो ब्रैकेट में आगे 2 लिखेंगे प्लस, यहाँ पे देखें सिर्फ स्क्वायर है यहाँ पे, यानी एक एक्स गया यहाँ पे एक एक्स बचा है, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या आ गया 2 प्लस एक्स वाई और ये वैल्यू क्या आ गई ई वाई, तो और ये वाई कहाँ से आया, देखें जब हम एक्स वाई का डायरेटिव लेंगे जब रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास वाई बचेगा, तो ये जगह पर वाई आया है, और ये जो वाई आया है ये वाई यहाँ से आया है, ठीक है, ये जो वाई आया है यहाँ से आया जो हमने बाहर लिया हुआ था, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे हम, अब हमें दिया हुआ है एक्स एंड वाई 1 1, यानी एक्स 1 है और वाई क्या है 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो आंसर आया उसमें हम क्या पुट कर देंगे एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1, तो हम पुट करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से हम बिल्कुल वाई में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, वही करेंगे वही फॉर्मूला होगा एंड में पहले पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा वाई की वैल्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई, तो फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, यहाँ पर भी वही करेंगे हम, तो हमने ऊपर किया है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा इतनी मुश्किल है नहीं है, ठीक है। आप आ गए हैं, अगर भी सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई किया तो आप देख लीजिए कि प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से, कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ चेन रूल, चेन रूल इन फंक्शन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो देखें आपको ये दिए भी है, तो आपको चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है वो ये होता है, आगे चलेंगे तो आपको और फंक्शन समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, फाइंड डावा डब्ल्यू ओवर डी टी, इसको डावा कह लें या डी डब्ल्यू ओवर डी टी, तो देखें डी डब्ल्यू ओवर डी टी दिया हुआ है आपको, W दिया हुआ है आपको, X दिया हुआ है, तो आपको पता है W भी दिया हुआ है आपके पास, X भी दिया हुआ है, फॉलो dW dt, तो सिंपल सा है, आपको X दिया हुआ है और W दिया हुआ है, तो आप क्या करें d ओवर dt लिखा आपने, यहाँ पे लिख दिया dW dt, यानी ये W ये dWt, क्या लिख दिया dx, और इस तरीके से डायरेक्ट ने फॉर्मूला ये आ गया, तो आप याद रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, आप देखें यहाँ पे आपको W दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स साइन टी, वो सिंपल इसमें क्या करना है इसको छोड़ दें, यह आपको समझ में नहीं आएगा क्या किस तरीके से किया हुआ है। तो देखें आपको यहाँ पे दिया हुआ है W, ये दिया हुआ है, X दिया हुआ है साइन टी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है dW dt,
अब हमें पता है कि डी डब्ल्यू डी टी हमने आग बंद की लिखा हुआ है डी डब्ल्यू टी टी, हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है डब्ल्यू और एक्स। अब हमें पता है भाई डी डब्ल्यू यहाँ आएगा और डी टी यहाँ आएगा, हमने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल दिया हुआ है और वो दिया हुआ है एक्स, तो क्या लिख दिया हमें, यहाँ लिख दिया डी एक्स, जैसे ऊपर देखा था डी एक्स। ठीक है, तो देखें ये मतलब आ गया, यही आ गया। ठीक है, तो देखिए अब हमने मालूम करना है सारी चीज़ें। अब हमने जब हम ये फार्मूला हमने याद हो गया तो हम क्या करेंगे, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, सब देखेंगे डी डब्ल्यू क्या लिखा है यहाँ पर, डी डब्ल्यू डी एक्स और डी डब्ल्यू डी टी, और डी एक्स डब्ल्यू डी टी को फॉलो करना है। तो अब क्या करेंगे, हम देखें डी डब्ल्यू डी टी का फॉर्मूला है डी डब्ल्यू डी एक्स डी एक्स ओवर डी टी। पहले हम क्या मालूम करेंगे डी डब्ल्यू डी एक्स, तो देखें डी डब्ल्यू वैल्यू हमें दी हुई है, ये दी हुई हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एक्स की रिस्पेक्ट से फॉलो करेंगे, तो एक्स क्या हो गया वन और ये कॉन्स्टेंट क्या होता है जीरो, हमारे पास आंसर क्या आया वन। ठीक है, इसी तरीके से आ गया डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी क्या दिया हुआ है हमें साइन टी, जब हम साइन टी का डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू टी तो क्या होगा कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें फॉर्मूला पुट कर दें वैल्यू जो इनकी आई है यहाँ पे, देखें आप तो देखें ये वैल्यू आई है, ठीक है एक्स की, और ये वैल्यू आई है डी टी की। ठीक है, तो आपने क्या किया, इससे सिंपल फॉर्मूला लिखा और इसमें जो डी डब्ल्यू डी टी और डी एक्स ओवर डी टी वैल्यू थी आपने पुट कर दी, तो ये वाला काम हमने ये किया है, यहाँ वन पुट किया कॉस टी पुट किया, तो आंसर क्या आया कॉस टी, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो गया। अब देखें चेंज रूल का फॉर्मूला ये होता है, इसके आगे आएंगे तो वेरिएबल चेंज होंगे, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है एक्स वाई जेड भी आ सकता है।